ज्ञान कहाँ नहीं है, पेड़ के पत्ते से लेकर सूरज की किरणों में भी ज्ञान है। आखिर एक सेब गिरता है और न्यूटन का नियम बन जाता है। टेक्निकली अब हम कुछ ज़्यादा ही विकसित हो गए हैं। विकसित हुए तो यूट्यूब जो अथाह समंदर है, ज्ञान का इतना भंडार है वहाँ पे, और दो तरीके के, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, आप जैसा चाहे यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब का। फ्री में आपके मोबाइल में है, जैसा चाहे आप उसको चला सकते हैं, चाहे वो आपके रोज़गार का अवसर बन सकता है या फिर आपके लिए किसी सब्जेक्ट में टॉक करने का एक बेहतर अवसर भी बन सकता है। मेरे साथ यहाँ पर भिलाई की एक बेटी है, नाम है समृद्धि पांडे, और नीट क्लियर किया है इन्होंने। कैसे किया है ये भी बताते हैं, यूट्यूब से। अब आप बोलेंगे कि यूट्यूब में कैसे कोई पढ़ सकता है यार, लेकिन यूट्यूब में क्या कुछ नहीं हो सकता। अब इन बेटी से ही जानते हैं, इस बहन से ही जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने तैयारी की है और क्या कुछ हासिल किया है। हाँ, तो सबसे पहले अगर बायोलॉजी पे पहले आते, क्योंकि बायोलॉजी की सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है नीट में, तो उसको आपको डेली पढ़ना ही होगा। मतलब आपको एटलीस्ट एक चैप्टर तो आप अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ो। और हमको सर लोग बोलते थे कि रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब लाइंस का मतलब आपको समझना है अच्छे से, और वो इतने बार आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए ना कि आपके दिमाग में वो, आप रीड करो और आगे की लाइन आने लगे। मैंने बहुत बार पढ़ा होगा एनसीईआरटी, मतलब एटलीस्ट 30 से 40 टाइम्स मैंने पढ़ लिया होगा। और ये हमारे कोचिंग वाले सर भी जो थे वो इतने बार टेस्ट लेते थे हमारी कि एक एक चैप्टर का एटलीस्ट 10 बार टेस्ट हो जाता था वहाँ पर, तो हम लोग उसको पढ़ लेते थे। और यूट्यूब में मैं जिन टीचर को देखती थी, वहाँ पर भी मैं एक बायोलॉजी की टीचर को देखती थी, आनंद मनी सर के, डॉक्टर आनंद मनी सर नाम था उनका, और उनके लेक्चर्स में देखा करती थी। वो थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते थे नीट से बाहर का, मतलब वो कोचिंग वाले भी देते थे, कोचिंग वाले बहुत ज़्यादा एडिशनल देते थे, उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो टीचर्स भी कहते थे कि एंड में तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ना, बस अभी जान लो ये भी जान लो, पर हम लोग को था कि हम लोग बस उतना पढ़े जितना हमारा क्लियर हो जाए, और हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े। और इस बार जैसे नीट का पेपर आया, एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया हुआ था, तो अगर किसी ने एनसीईआरटी पूरा पढ़ा होगा तो उसके सारे क्वेश्चन बनने थे। मेरे भी जूलॉजी में शायद बस एक क्वेश्चन गलत हुआ है और दो बॉटनी में गलत हुआ है, वो भी जो दो थे वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थे जिसके आंसर की कुछ चैलेंज भी किया हुआ है, पर एनटीए ने कुछ बोला नहीं। तो मैं वही बोलूँगी कि बायोलॉजी जब करो तो उसको रोज़ पढ़ो, एटलीस्ट 2 घंटा तो दो उसको अगर एकदम स्टार्टिंग फेज में हो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 घंटा हर दिन भी आप पढ़ रहे हो तो उतना इनफ है नीट के लिए। आपको बहुत 12 से 15 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जितने टाइम पढ़ो तो उसमें पूरा मन लगा कर पढ़ो, हर चीज़ समझो और पढ़ाई को ना मज़े से पढ़ो। मतलब ऐसे नहीं कि बर्डन समझ रहे हो कि इतना इतना कवर करना है, कैसे करना है, बस उससे जो हमें सीखने को मिल रही है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो भी फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में हो रहा है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, वो सब चीज़ें उनमें मज़ा आना चाहिए तुमको, तभी तो तुम डॉक्टर बन रहे हो ना। तो वो सब अच्छे से पढ़ो, और जो केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी पढ़ो, बोर्ड लेवल पढ़ो, रिएक्शंस को लिख लिख कर पढ़ो। और ऐसा नहीं है कि कोचिंग जाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो तो यूट्यूब में बस आपको अपना शेड्यूल बनाना है, इतने इतने चैप्टर मुझे पढ़ने, इतना कवर करना है, मैं पढ़ूंगा, और उसके बाद आपको खोजना है कि मैं किस टीचर से पढ़ूँ। बहुत सारे टीचर्स हैं वहाँ पर, आपको जो टीचर पसंद आए उनसे पढ़िए। तो यूट्यूब में आप देख सकते हो और फ्री में सारे लेक्चर्स अवेलेबल, ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसके लेक्चर नहीं होंगे। इनफैक्ट क्वेश्चंस भी लगा कर देते हैं टीचर वहाँ पर कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस बनाए होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे पास मटेरियल नहीं है, मेरे पास अगर मतलब पैसे कम है तो मैं नहीं कर सकता, या कोचिंग नहीं जा रहा तो मेरा क्रैक नहीं होगा। आप यूट्यूब से पढ़ के भी क्रैक कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जिन बच्चों को लगता है ना मॉक टेस्ट में जिनके कम नंबर आते हैं, 450 या 400 भी आ रहे हो, तो उनको लगता है ना कि हमारा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हम तो कोचिंग में टॉप नहीं कर रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि मैं भी टॉप 5 में भी नहीं थी अपनी कोचिंग में, और एक बार मुझे भी याद है कि जब मैं बैठी हुई थी, ऐसे कोई फैमिली फंक्शन था, तो मुझसे पूछा गया था कि कोचिंग में तुम्हारी रैंक क्या है, मैंने बोला कि शायद मैं टॉप 5 में भी नहीं हूँ, शायद टॉप 10 में भी नहीं, उस समय बहुत पीछे थी मैं। तो मुझे बोले थे कि तुम्हें ऊपर आना होगा, वरना फिर जो कोचिंग में जो टॉप पर बच्चे रहते हैं उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है।
तो मुझे लगा था कि अगर मेरा ये हाल है, मेरे से पीछे कितने बच्चे ऐसे, तो उनको सिलेक्शन लेने के लिए फिर वो छोड़ ही देना चाहिए पढ़ाई, है ना, मतलब उनकी तो कोई उम्मीद ही नहीं बची। पर मुझे था कि नहीं होगा, मेरा होगा, कैसे भी होगा, मैं इम्प्रूव करूँगी अभी। और मैं वैसे करती थी, पर एंड तक भी मैं शायद बहुत ही रेयरली टॉप 5 में आती थी। जो वो दिन था मुझसे ऊपर बहुत सारे बच्चे थे, मतलब 5-6 बच्चे जिनके कॉन्स्टेंटली 600 मार्क्स आ रहे थे, मेरे तो 450, 490 या 500, 520 ज़्यादा से ज़्यादा आए मेरे। उनके नीट वाले दिन में 400 में मार्क्स आए और मेरे 580 में आए, वो भी क्योंकि मेरी एक दिन पहले तबीयत ख़राब थी, उतनी मैंने ध्यान से पेपर और मेरी और एफिशिएंसी होती थोड़ी तो मैं और बेटर करती। पर हाँ, 580 में अगर मुझे कॉलेज मिल रहा है तो उतना बहुत है। मुझसे जो ऊपर बच्चे थे उनका नहीं हो पाया, उनके 400 आ रहे, मेरे आ रहे, तो ऐसे कोई होप को छोड़ना नहीं कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। आपको एंड तक लड़ना है और वो दिन बस आपको माइंड खुला रख के पेपर देने, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश करनी है। हाँ, तो मैं स्कूल, मेरा जो है DPS रिसाली, वहाँ से मैंने पढ़ा है, नर्सरी से मैं 12th तक वहीं पर थी। और एक चीज़ वहाँ पर अच्छी है कि वो जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर था ना, बहुत ही कॉम्पिटिटिव था। मतलब क्लास 1 से मैंने वो वाले एग्ज़ाम दिए जिसमें OMR में फिल करना था, ओलम्पियाड जो होते हैं वो मैं दिया करती थी। तो बाकी फिर मैंने बहुत ज़्यादा YouTube से पढ़ा है, मतलब हर रोज़ शायद 4-5 घंटा मैं YouTube पे ही मतलब वीडियोज़ देखा करती थी।